सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S6 एज क्या 2021 में वर्थ है या नहीं। तो गाइस ये फ़ोन काफ़ी साल पहले निकल चुका है एंड मैं नहीं जानता कि इसको कोई प्लानिंग कर रहा होगा लेने के लिए 2021 में, बट इस वीडियो में आप देखेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी S6 एज 2021 में वर्थ है कि नहीं। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड मैं कंक्लूजन एंड में बताऊंगा। तो गाइस तो चलिए देखते हैं। तो गाइज ये फ़ोन को निकले काफ़ी टाइम हो गया, आज ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो चुका है इस फ़ोन को रिलीज़ हुए एंड आज हम यही देखेंगे कि ये फ़ोन 2021 में वर्थ है कि नहीं। तो गाइज सबसे पहले तो इसकी एक्चुअली हार्डवेयर की बात करूँ तो गाइज इसमें फ्रंट एंड बैक में आपको ग्लास मिल जाता था जो कि काफ़ी डिफ्रेंशिएट करता था उसके कंपटीटर से, लाइक iPhone 6 एंड iPhone 6s एंड ऑल, जिसमें आपको बैक में एल्यूमिनियम या मेटल की बॉडी मिलती थी। ये इसका स्टैंड आउट फीचर था। एंड बात कर लेते चलिए फ्रंट की। तो गाइस इसमें फ्रंट में आता था आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि Quad HD+ रेजोल्यूशन पे बेस्ड था एंड जो कि तभी का क्रिस्पियस्ट डिस्प्ले था एंड ये सबसे बेस्ट डिस्प्ले था जो कि तभी के टाइम में आपको किसी भी स्मार्टफोन में मिल सकता था। एंड ये तभी का वन ऑफ द ब्रिलियंट लुकिंग स्मार्टफोन था जो कि पीछे से भी एंड आगे से भी दोनों ही तरफ आपको ग्लास मिलती थी एंड कलर शेड्स भी काफ़ी अच्छे थे ये फ़ोन के, जैसे कि आपको मिल जाता था वाइट, गोल्ड एंड डार्क ग्रीन कलर में जो कि काफ़ी हटके दिखता था तभी का। तो गाइस डिज़ाइन के बारे में बात करें तो गाइस इसका दोनों ही एक्चुअली फ्रंट एंड बैक का मेरे को जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है, हालांकि ज़्यादा फ्रंट का अच्छा लगता है क्योंकि गाइस यही डिवाइस था जो कि सैमसंग की तरफ से एक रेवोल्यूशनरी फ़ोन निकल के आया था क्योंकि गाइस एक्चुअली सभी सैमसंग के फ़ोन फ्लैट इन फ्लैट आ रहे थे, बट ये फ़ोन में आपको पहली बार दोनों साइड कर्व देखने को मिला था जो कि काफ़ी हटके दिखता था एंड कर्व काफ़ी अच्छा था कि आपको काफ़ी किसी भी पर्सन को एक्चुअली इम्प्रेस कर दे एंड वो ट्रेंड आज भी है गाइज। इसमें काफ़ी अच्छा कर्व मिलता है एंड गोल्ड कलर होने के बाद क्या काफ़ी अच्छा दिखता है, ये किसी को भी एक्चुअली अट्रैक्ट कर देता है अपने इसी डिज़ाइन से। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी स्टैंड आउट फीचर रही क्योंकि गाइज लाइक S6 में भी आपको सेम बॉडी मिलता था एंड Note 5 वगैरह में भी आपको फ्रंट एंड बैक में एक्चुअली बॉक्सी डिज़ाइन मिलती थी, बट यही वो फ़ोन था जो कि सैमसंग की तरफ से एक रेवोल्यूशनरी बोलूँगा क्योंकि इसमें गाइस आपको पीछे एक्चुअली ग्लास का मिलता ही था और साथ ही साथ आपको फ्रंट में भी इसमें एक कर्व मिलता था जो कि काफ़ी स्टैंड आउट फीचर था। तो गाइस कर्व डिस्प्ले के साथ साथ आपको इसमें काफ़ी अच्छा क्रिस्पियर डिस्प्ले मिल जाता था जो कि Quad HD पे बेस्ड था जैसे मैंने बताया एंड ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले था जो तभी आपको अवेलेबल हो सकता था। तो काफ़ी क्रिस्पियर एंड नीट एंड क्लीन दिखता है क्योंकि गाइस Quad HD+ डिस्प्ले है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले था जो अभी तभी आपको मिल जाता था। तो गाइज कोई भी डिस्प्ले में इश्यू नहीं है। तो गाइज ये तो हो गया इसकी हार्डवेयर की बात लाइक फ्रंट एंड बैक की। तो चलिए फिर इसके जो मेन की फीचर था, जो सेकंड की फीचर था वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा था। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी फ़ोटो तभी भी लेता था एंड काफ़ी अच्छी फ़ोटो आज काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ ले लेता है एंड कलर स्कीम काफ़ी इसका वार्म है तो आपको एक्चुअली एडजस्ट करना पड़ेगा हर बार फ़ोटो लेने में, जो कि तभी के 2015 के स्मार्टफोन्स एक्चुअली ऐसे ही लेते थे फ़ोटो। तो गाइस फ़ोटो में कोई कंप्लेंट नहीं है, फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आती है, बस कैसा थोड़ा सा वार्म TD पे इसका जो कलर स्कीम है तो बस उतना ही आपको ध्यान देना। गाइस और भी फीचर की बात करें तो गाइस इसका कैमरा 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर लेता है एंड 180 मतलब Full HD+ 60 FPS भी रिकॉर्ड कर लेता है जो कि काफ़ी अच्छा है एंड स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी गाइस, उतना कोई मेजर इशू नहीं है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है आपको इसमें जो कि काफ़ी अच्छे से आज भी वर्क करता है एंड कैमरे रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड ये देख सकते हो आप इसका एक्चुअली लेआउट जो अपने सभी सिबलिंग्स की तरह ही है, लाइक S8 एंड S7 की तरह ही है आज भी, के वजह से आपको ज़्यादा इसमें कैमरेज के फीचर लाइक देखने नहीं मिलेंगे एंड सिंपल एंड क्लीन इसका जो कैमरा का UI हो वो देखने मिल जाता है। तो गाइस चलिए इसकी टेबल की फ़ोटो खींच लेते हैं एंड आप देख सकते हो इधर इसका कैमरा आज किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है 2021 में। तो गाइस देख लीजिए इधर मैंने फ़ोटो खींच लिया एंड आप देख सकते हो कितना शार्प, कितना बेस्ट फ़ोटो है एंड काफ़ी क्रिस्पियर फ़ोटो है गाइस, आज भी कोई भी इशू नहीं आती, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करो तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है कि ये फ़ोन लैग कर रहा है आज के टाइम में कैमरा इसका। अगर ये फ़ोन आज के टाइम पे रिलीज़ होता विद एक्चुअली लेटेस्ट प्रोसेसर तो गाइस कोई भी इसको ले लेता, बस एक्चुअली आउटडेटेड इसमें ओल्ड प्रोसेसर है, अगर आपको नया प्रोसेसर मिल जाता तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती। तो इस चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। एक्चुअली की फीचर्स तो हो ही गए लाइक इसका डिस्प्ले, इसका डिज़ाइन एंड इसका जो कैमरा था वो की फीचर सारे हो गए। तो गाइस इसमें आपको मिलता था Exynos का 7680 वाला प्रोसेसर जो कि एक्चुअली तभी अच्छा काम करता था, बट आज के टाइम में काफ़ी लैगी काम करता है, उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है।
बट स्टिल आप अगर इस फ़ोन को कॉलिंग के लिए लेना चाहते हो तो गाइस कॉलिंग एंड कैमरा की वजह से तो गाइस आप ले सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है कॉलिंग वगैरह का। एक्चुअली कॉलिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है फ़ोन का, तो उतना कुछ खास अच्छा इसका परफॉर्मेंस नहीं है आज की डेट में एंड काफ़ी ओल्ड प्रोसेसर है, बट स्टिल ये थोड़ा तो अच्छा परफॉर्म कर जाता है। लाइक आपको कैमरा एंड वॉचिंग के लिए आप इसको आराम से ले सकते हो, काफ़ी अच्छा इसका फीडबैक है। चलिए इसकी सॉफ्टवेयर यूआई की बात कर लेते हैं, तो गाइस उतना ज़्यादा अच्छा इसका सॉफ्टवेयर यूआई नहीं था एंड जो टच विद यूआई आपको जो मिलता है इसका स्टॉक, तो गाइस आज भी काफ़ी कंप्लेंट है, कोई भी इसको एक्चुअली पसंद नहीं करता उतना ज़्यादा, कि काफ़ी हैवी स्किन आपको इस पर मिल जाती है एंड वही एक मेन डिसएडवांटेज था, वरना फ़ोन काफ़ी अच्छा है। एंड तो गाइस चलिए थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी ख़राब है इस फ़ोन के बारे में, तो गाइस ये है कि इसकी बैटरी। तो गाइस मैं ऐसा फ़ोन नहीं लेना चाहूँगा जिसकी एक्चुअली मेरे को बार बार बैटरी पे ध्यान देना पड़े एंड वो यही फ़ोन में काफ़ी इसका डिसएडवांटेज था, क्योंकि इसमें बैटरी काफ़ी मीन्स जल्दी उतर जाती है। सबसे ख़राब बात है जो कि इस फ़ोन में ही लगी है एंड चलिए फिर तीनों पॉइंट आपको बता दिया कि इसके तीन क्या एक्चुअली डिसएडवांटेज है, लाइक इसका जो आपको बैटरी होगा एंड परफॉर्मेंस होगा एंड सॉफ्टवेयर यूआई होगा। तो गाइस और भी छोटी छोटी फ़ोन में फीचर मिल जाते हैं, लाइक इसका हैप्टिक मोटर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है एंड आज भी काफ़ी अच्छा क्लिकी सी फीलिंग आती है। एंड सामने इसका होम बटन पे आपको मिल जाता है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, नीचे सिंगल डाउनवर्ड फेसिंग स्पीकर है जो कि एक्चुअली अच्छा अलाउड, काफ़ी फ्लैट साउंड आती है इसमें से। एंड तो गाइस ये रहे कुछ मेन इसका की फीचर एंड हाँ, इसमें आपको मिल जाता था 3.5mm का लेजेंडरी जैक जो कि आज भी कोई फ़ोन में नहीं देखने मिलता है एंड जो काफ़ी मिस करते हैं एक्चुअली सभी लोग। तो गाइस ये रहे कुछ इसके मेन की फीचर्स एंड डिसएडवांटेज, तो आपको एक्चुअली अगर ये फ़ोन लेना है तो गाइस आपको ये तीन या डिसएडवांटेज पे ध्यान देना पड़ेगा एंड इफ़ आप अगर इस पर एक्चुअली कवर कर लेते हो तो गाइस आप ये फ़ोन ले सकते हो। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड कैसा लगा ये वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में एंड तो गाइस अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, एक्चुअली काफ़ी कम लोग सब्सक्राइब किए हैं एंड बाकी सब लोग एक्चुअली देख लेते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय बाय। तो दोस्तों लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।